नमस्कार, कूल क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग फ्राइड राइस बनाएंगे और फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने 2 कप चावल को पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। उसके बाद साफ़ करके हमने इस तरह से गैस पर रख दिया है पकने के लिए। और इसमें अब हम नींबू का रस डाल रहे हैं और इनको हम उबलने देंगे। और इधर हमने कैबेज और 2 अनियन और ये देखिए 1 कटोरी के लगभग सारी मिक्स वेजिटेबल्स हैं, और ये बीन्स हैं, काली मिर्च पाउडर, वेनेगर वाइट और सोया सॉस 1-1 चम्मच है। देखिए इधर चावल पक गए हैं और अब हमने इनको छन्नी पर निकाल लिया है जिसमें इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और इस तरह से देखिए पानी निकल गया है और हमने ऑयल गरम कर लिया है। अब ये गर्म हो गया है। इसमें हम 2 अनियन डालेंगे और ये क्रंची रखेंगे हम सारी वेजिटेबल्स। देखिए इसमें येलो बेल पेपर, ग्रीन शिमला मिर्च भी है और गाजर है, ये सब हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये हमने 1 कटोरी ली थी और ये थोड़े से बीन्स हैं। आप अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं। और अब हमने इसमें चावल को ऐड कर दिया है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें सोया सॉस डाल रहे हैं 1 चम्मच। आप मिर्च भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमने काली मिर्च डाली है। और अब थोड़ा सा हम नमक स्वाद अनुसार डाल रहे हैं। अच्छे से चलाएंगे और गर्मा गर्म हम इसको सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप भी ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कूल क्रिएशंस।